दोस्तों नमस्ते, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष रोजगार की एक शानदार और जानदार जानकारी के साथ। और आज की वीडियो में 100 साल तक चलने वाले एक बिजनेस की आपको जानकारी मिलेगी। और अभी मैं अहमदाबाद में हूँ माँ इशरा देवी मशीनरी में। और आपको बता दें कि माँ इशरा देवी मशीनरी सिर्फ फ्लाई एश ब्रिक्स और पेरो ब्लॉक बनाने वाली मशीनों पर ही सिर्फ डील करती है। और आपको बता दें कि मशीन की अगर बात करें तो ऐसी ऐसी मशीन इनके द्वारा निर्माण होता है जो आप देख करके दंग रह जाएंगे। बिल्कुल ही हैवी ड्यूटी जो आप अभी वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे दोस्त। तो कैसे इस बिजनेस की आप शुरुआत करेंगे, कितने पैसे से इस बिजनेस की शुरुआत होगी, कौन कौन से मशीनें इसमें इस्तेमाल होती है, तो आप क्यों करेंगे इस बिजनेस की शुरुआत, क्या लाभ है, क्या भविष्य है, इसका कंप्लीट जानकारी दोस्त आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए तो शुरू करते हैं। और चलिए एक मशीन जिसका डेमो अभी हो रहा है वो वहाँ मैं आपको पहले लेकर चलता हूँ। और हर तरह की जानकारी जो मैंने आपको बताया इंट्रो में वो सारी जानकारी आज की वीडियो में सम्मिलित रहेगी। तो देख लीजिए यहाँ पर एक लड़का है जो अभी फिलहाल जो रॉ मटेरियल है उसको मिलाने का काम कर रहा है। तो आज की वीडियो में रॉ मटेरियल कैसे तैयार करेंगे, फ्लाई ब्रिज का निर्माण कैसे होगा, बिक्री कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, कंप्लीट जानकारी समाहित रहेगी आज की वीडियो में। तो स्किप मत कीजिएगा, अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आपका भी स्वागत है सर। सर आज की वीडियो में आप हमारे भाई के लिए क्या ला रहे हैं, चूंकि आप तो स्पेशलिस्ट है, फ्लाई एश ब्रिक्स की मशीनों का निर्माण करते हैं, साथ ही पेपर ब्लॉक की मशीनों का निर्माण करते हैं, तो आज के वीडियो में हमारे भाइयों के लिए आपके पास क्या है? सर जी मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया मॉडल डेवलप करके, जो लोग बनाते 35-30 हज़ार में जो मॉडल बनाते हैं उसको हटा के अभी मार्केट में एक नया लॉन्च किया हुआ हैवी मॉडल जिसका प्राइस है 45,000। आप देख सकते हो मशीन का मॉडल कितना हैवी है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा कास्टिंग बॉडी दिया हुआ है जो पहले खाली प्लेट्स में लगाते देते थे, और यहाँ पे हैवी रॉड दिया हुआ है। आप देख सकते हो इसका फिनिशिंग वगैरह आप देखिए कैसा है। यहाँ पे डाई का जो पंच वगैरह देखिए कितना फिनिशिंग अच्छा है। उसमें आपको 8 mm प्लेट में से हमने बनाया हुआ है, और इसमें स्प्रिंग भी इतना हैवी टेंशन में दिया हुआ है, तो आपका ब्रिक्स भी इतना क्वालिटी अच्छा निकलेगा। तो ब्रिक्स की क्वालिटी जो निकला हुआ है आप एक बार देख सकते हो। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मैंने कंक्रीट से बनाया हुआ ब्रिक्स है जो उसका फिनिशिंग अच्छा है। और अगर किसी भाई के पास कोई फ्लाइस नहीं अवेलेबल है तो उसमें कॉन्क्रीट से मटेरियल से बनाया हुआ है, जिसमें कॉन्क्रीट और इतना सीमेंट से बनाया हुआ है। आप देख सकते हो इतना इसका फिनिशिंग कैसा है। तो दोस्तों अभी आप देखे होंगे इंट्रो में ही, शुरू में ही मैंने आपको दिखाया कि कैसे इसके रॉ मटेरियल को तैयार किया जाता है मशीन में, कैसे इस तरह के ब्रिज का निर्माण होता है, और फिनिशिंग आपके सामने सर ने आपको ब्रीफ किया है कि किस तरह की फिनिशिंग इस मशीन के माध्यम से निकलती है फ्लाई एश ब्रिक्स की। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और फ्लाई एश ब्रिक्स के विषय में बहुत ज़्यादा कुछ ब्रीफ करना फालतू की बात हो जाती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ग्रोइंग बिजनेस है। तो लोग हमारे भाई इस वीडियो को जो देख रहे हैं इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करेंगे? सर इस अगर इस बिजनेस से शुरुआत करना है तो पहले आपको अगर किसी के पास फ्लाइस अवेलेबल नहीं है, जो दोस्तों को अगर बिना फ्लाइस के बिजनेस शुरू करना है तो उसमें आपको स्टोन डस्ट और सीमेंट दो मटेरियल चाहिए, जो उससे भी आपका ब्रिक्स बन सकता है। तो आप देख सकते हो मैंने पहले भी आपको बताया था ब्रिक्स कैसे बना हुआ है, तो उसका फिनिशिंग आप देखिए बिना फ्लाइस का बहुत ही शानदार फिनिशिंग आपने सर दिया है। और छोटी सी मशीन है लेकिन काफ़ी पावरफुल मशीन है। ये मशीन क्या कर सकती है हमारे भाई लाइव वीडियो के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो सर इस कैटेगरी में सर कितने तरह के मशीन का आप निर्माण करते हैं? मेरे पास 25 मॉडल्स अवेलेबल है, जो 45,000 से शुरू होता है तो 45 लाख तक मेरे पास मॉडल अवेलेबल है। जैसा सामने वाले का बजट होगा, जितना उसका पैकेट अलाउ करेगा उस हिसाब से आपके पास मशीन अवेलेबल है? हाँ मेरे पास ऑल मॉडल अवेलेबल है। अगर किसी कस्टमर के पास बजट कम है, जिसको लग रहा है मेरे पास 1 लाख में मेरे को बिजनेस शुरू करना है, तो मेरे वहाँ ऑल मॉडल अवेलेबल है। अगर 1 लाख से भी बिजनेस शुरू करना है तो भी वो मॉडल मेरे पास अवेलेबल है, और 50,000 से भी शुरू करना है तो भी मेरे पास वो मॉडल अवेलेबल है। तो अगर इस मशीन के माध्यम से जो आपने बताया कि 45,000 में हमारे भाई आपके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, चूंकि मैं गुजरात में हूँ, इशरा देवी मशीनरी आपकी कंपनी का नाम है, तो यहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस मशीन के माध्यम से सर अगर वो बिजनेस शुरू करेंगे तो फिनिशिंग तो आपने दिखा दिया, मार्केटिंग सर कैसे करेंगे? अगर आपको मार्केटिंग करना है तो करीब मान लीजिए मेरे पास एक दूसरा भी पोर्टल है, अगर आपको नियर बाई आपसे सेल नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपने ब्रिक्स बना दिया तो आप बोल रहे यार मेरा सेलिंग भी नहीं है मार्केट में, तो उसके लिए एक मार्केटिंग प्लेस है
तो उसमें जस्ट डायल में जाइए, आप रजिस्टर कीजिए, उसमें आपको अच्छी खासी इंक्वायरी मिल रही है नियर बाय में, तो आप उसमें भी आप डाल सकते हो ऑनलाइन। अगर फिर आपको और भी तरह बोल रहे सर उसमें भी आपका कुछ बिक्री नहीं हो रहा है, तो उसके पास भी मेरे पास दूसरा ऑप्शन है। ओके, तो आपके लिए अगर कोई नियर बाय है, तो किसी के पास अगर गांव विलेज में कहीं डेवलप एरिया नहीं है, तो वहां जाके भी आप मार्केटिंग कर सकते हो और आदमी को बता सकते हो अगर ये रेड बीट है और ये हमारा फ्लाइस ब्रिक है, उससे अपना 3 गुना 2 गुना स्टैंड है, और ये आप बनाने के बाद इसमें भेज वगैरह जो आता है तो इसमें आएगा नहीं, तो वो भी प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट है ये आपका 100 साल तक मकान, 100 या 200 साल तक कुछ उसको मकान को कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, नहीं कुछ नहीं होने वाला, तो एकदम बढ़िया बेटर बिजनेस है। और मार्केट मार्केट में जो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, अगर आपको बड़ा मशीन डालना है तो उसमें भी गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, उसमें भी 35% सब्सिडी मिलती है। बिहार में तो 40% है सर सब्सिडी मिल रही है बिहार में। हाँ, तो बिहार में अगर आपका 45% सब्सिडी मिलती है और आपको लोन कैसे करना है, तो उसके लिए आप बैंक में जाइए, उसमें आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा MSME में, और MSME में रजिस्टर करने के बाद गृह उद्योग में जाना पड़ेगा, तो उसमें वो भी आपको एक लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास 12 वर्कर से भी ज़्यादा है तो लेबर लाइसेंस लेना जरूरी है। तो इस मशीन की जो खासियतों के विषय में हमारे भाई को बताइए, और साथ ही इस मशीन के माध्यम से अगर वो बिजनेस शुरू करेंगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी कितनी है, इसके विषय में हमारे भाई को बताइए। सर ये छोटा मशीन है पर काम आपका लिए बड़ा करता है, इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी एक दिन में 4000 ब्रिक्स आराम से निकाल देती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है बड़ा ब्लॉक बनाना है तो इसमें बड़ा ब्लॉक भी बनता है, यानी दो एक मशीन में दो काम। तो इसमें सर अभी 4 डाई लगे हुए हैं अलग अलग साइज, चूँकि हर एरिया में अलग अलग साइज के ब्रिक्स प्रचलित होते हैं, तो क्या सर इसमें अगर कोई भाई हमारे डिमांड करें कि नहीं हमारे एरिया में तो ये साइज है, आप अलग साइज दे रहे हो, तो क्या उस साइज का डाई आप बना कर दे देंगे? सर इसमें क्या होता है, इस मशीन के अंदर कोई भी साइज बोलो, इस मशीन के अंदर सभी साइज मैन्युफैक्चर हो सकती है। ये हाइड्रोलिक है सर, ये ऐसे ही नॉर्मल है? सर ये मैनुअल है, इसमें सिंगल पेस 1 HP वाइब्रेशन दिया हुआ है। हालांकि विलेज में भी आपको लगाना है तो भी लगा सकते हो, गांव में लगाना है कहीं लगा सकते हो, ये सब जगह पे मशीन चलता है। तो इस मशीन की कैपेसिटी आपने बता दिया, प्रोडक्शन कैपेसिटी बता दिया, कितने HP की मोटर से ये चलेगी वो भी आपने बता दिया, कीमत के विषय में भी आपने सर बता दिया, तो कुछ और खासियत जो हमारे भाई को जानना है वो जानना भी चाहेंगे कि अगर ये मशीन परचेज करेंगे आपके द्वारा तो, और तो कितने दिन तक वो सिक्योर रहेंगे, कितने दिन तक की आपकी वारंटी और गारंटी आप रहेगी? मेरा ये मशीन की वारंटी गारंटी 1 साल की रहती है, अगर कुछ भी दिक्कत आता है 1 साल के बाद भी, अगर छोटा पार्ट है तो हमारा कंपनी उसको वो पार्ट का पैसा एक्स्ट्रा नहीं मांगेगी, वो आपको फ्री में मिल जाए 1 साल के बाद भी। अच्छा सर मेंटेनेंस के बारे में हम कहना चाहते हैं, इस मशीन को अगले 15 साल के लिए या 15-20 साल के लिए कुछ नहीं होता है, एकदम हैवी मॉडल बनाया हुआ है तो ये मशीन का कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, जीरो मेंटेनेंस वाली है, एकदम जीरो मेंटेनेंस, आप कहीं भी यूज करो अनयूज करो कुछ भी करो इसको मेंटेनेंस जीरो है। तो आपकी कंपनी सर गुजरात में है, देश के कोने कोने से आपको इस वीडियो के माध्यम से लोग देख रहे हैं, आपके विचारों को सुन रहे हैं, तो उनके पास ये मशीन कैसे पहुंचेगी? अगर किसी कस्टमर को ऑर्डर करना है तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हो 9722038023। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैंने ऑनलाइन पेमेंट डाला हुआ है, कोई आपके साथ अगर फ्रॉड हो रहा है कहीं, हालांकि सभी जगह पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक बार आप मेरे वहाँ विजिट भी कर सकते हो, मेरे अहमदाबाद गुजरात में 23 केशव मेस्टेड ऑर्डर रिंग रोड पे मेरी फैक्ट्री आ रही है। अगर आपको यहाँ पे आएंगे बहुत खास ऐसी बहुत सारी मशीनें देखने के लिए मिलेगी, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हमने बनाया हुआ है, तो आपको बहुत मॉडल यहाँ देखने के लिए मिले, तो मैं तो चाहता हूँ कस्टमर को एक बार आप यहाँ आइए और विजिट कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और जब इनसे सर से मुलाकात नहीं हुई थी फेस टू फेस, तो इनकी मशीनों को जब मैं देखा तो दंग रह गया, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तरह के हैवी मशीन पर डील करते हैं, और काफ़ी बढ़िया इनका परफॉर्मेंस भी रहा है, चूँकि क्वालिटी पर ये विशेष ध्यान देते हैं, चूँकि इनका भी मानना है कि जो भाई आप मेहनत की कमाई से यहाँ से मशीन परचेज करेंगे अगर उनकी कमाई नहीं होगी तो कम से कम इनको काफ़ी बुरा लगेगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि हम भैया वैसे ही मशीनों पर डील करते हैं ताकि जो भाई हमारे यहाँ से लेकर जाए तो 2 पैसा, जिस उम्मीद से वो मशीन खरीद रहे हैं उस उम्मीद पर ये
हमारी मशीन खड़ी उतरे, कोई दिक्कत ना हो, कोई शिकायत ना हो, शिकायत का कोई मौका ये नहीं देना चाहते हैं। तो एक और सवाल है सर जो मन में उठ रहा है कि इस मशीन की या ये बिजनेस की अगर कोई शुरुआत करेंगे तो बचत कितनी होगी, चूँकि अभी तो फिलहाल हर जगह भले लाल वाली ईंट जो है सरकार बैन कर रही है, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल बहुत जो भी लोग नए नए भवन बना रहे हैं तो लाल ईंट का ही इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है जानकारी का अभाव हो। तो अगर इस तरह के बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो एक प्रति ईंट कितनी बचत हो सकती है? हालांकि आप कोई भी कस्बे से बोल रहे हो या कोई भी गाँव से बोल रहे हो तो आपका जो बचत रहेगा एक रुपया मुनाफा रहेगा, वो चाहे भी कोई भी स्टेट हो या कोई भी जगह हो या कोई भी गांव से बोल रहे हो, एक रुपया आपका बचत रहता है, मैं लिख के आपको देता हूँ। एक रुपया कम से कम, कम से कम एक रुपया तो मिलता ही है, मिलता ही मिलता ही है। इसका जो रॉ मटेरियल जो हमारे आपके बंदे यहाँ पर मिला रहे थे सर, तो चूँकि जो लोग देखेंगे तो भाई तो समझ रहे हैं कि भाई कि इस मशीन के माध्यम से फ्लाई ब्रिज निर्माण होगा, और आपने बताया कि एक 8 घंटा 10 घंटा चला तो 4000 ईंट यहाँ से निकाल सकते हैं। जो रॉ मटेरियल है सर उसका जो मिश्रण होता है वो कैसे तैयार होगा, ये मशीन ऑपरेट कैसे की जाएगी, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी उन लोगों को? अगर मेरे दोस्तों को अगर मशीन ऑपरेट करना नहीं आता है, अगर मशीन आपने खरीद लिया है फिर आप सोचो कि मशीन कैसे चलाना है, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो या वीडियो कॉल पे भी आप, मैं आपको बता सकता हूँ। नॉर्मल चीज़ है और मैनुअल मशीन है, इतना कोई हार्डली मशीन नहीं है, तो कोई भी अनस्किल लेबल भी इसको चला सकता है। अगर सर बोल रहे मटेरियल कैसे मिक्स करना है तो आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए, मटेरियल कैसे मिक्स करना है, कितना परसेंट करना है, तो मैं आपको उसकी डिटेल भी बता सकता हूँ कॉल पे ही। सर अगर कोई नियर बाई के यहाँ पर आएंगे तो अगर वो इस मशीन का लाइव डेमो या तो खुद सीखना चाहेंगे तो क्या ये फैसिलिटी आप देते हैं उन लोगों को? हाँ, अगर किसी कस्टमर को देखना है और सीखना है तो मेरे पास सब फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है सर मुझे प्लांट भी विजिट करना है तो नियर बाई 50 किलोमीटर में मैं आपको प्लांट भी विजिट कराऊंगा, तो कभी भी आप आ सकते हो। और अगर मटेरियल कैसे रेसिपी बनना है, अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आपको ऐसा लग रहा है अगर हैंडमेड में कैसे मटेरियल मिक्स करना है तो भी मैं आपको वो रेसिपी सिखा सकता हूँ सर। तो जो भाई नज़दीक कहते हो तो सर आपके पास आ जाएंगे और मशीन परचेज करके लेकर चले जाएंगे, क्योंकि आप आएंगे तो बिल्कुल ही आप संतुष्ट कर देंगे, कैसे मटेरियल मिलाएंगे, कैसे मशीन को ऑपरेट करेंगे खुद से बनाकर वो देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो बाहर के जो पूर्वोत्तर राज्य के हैं, दूर पड़ता है सर गुजरात, तो वहाँ से अगर कोई आए या तो फिर उड़ीसा से आए, पश्चिम बंगाल से कोई हो, आना नहीं चाहते हों और साथ ही उनको डर लग रहा है कि भाई गुजरात में हम पैसा दे रहे हैं, हो सकता है मेरा मशीन नहीं आए, तो क्या दूसरा रास्ता है जिसे वो आप पर विश्वास कर सके सर? हाँ, अगर कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि मैंने पैसा दे गया मेरा मशीन नहीं आया, तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है आपका सेफ्टी और मेरा सेफ्टी के लिए। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है छोटा मशीन है जो मैं 45,000 में है, अगर आप 10,000 भी देके बुक करवा सकते हो, बाकी का मशीन आपके वहाँ ट्रांसपोर्टेशन में आ जाए और आप तसल्ली कर लो भाई मेरे पास मशीन आ गया हुआ है सर, मेरा पैसा अभी सेफ्टी में है, आप पेमेंट डाल सकते हो तभी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा। धन्यवाद सर नीरज जी। तो दोस्तों आपने सुना, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है फ्लाई ब्रिज मशीन के ऊपर, और जो इनका बेहतरीन मॉडल है मात्र 45,000 से शुरू होता है, तो इस मशीन के माध्यम से कैसे आप स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, कैसे मार्केटिंग करेंगे, बचत कितनी होगी, फ्रॉड से कैसे बचेंगे, कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है। तो आज की जानकारी दोस्त कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मशीन परचेज करना चाहते हैं लेकिन स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा सर का नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का कंप्लीट एड्रेस भी रहेगा, आप यहाँ पर आकर विजिट करके समझ सकते हैं, मशीन को समझिए, बिजनेस को समझिए, उसके बाद फिर अपना बिजनेस शुरू कीजिए। तो इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे दोस्तों, बने रहिएगा ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ, तब तक ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।